भू दशाओं से प्रभावित ज्योतिमठ के सुरक्षात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। आईआईटी रुड़की द्वारा डीपीआर का परीक्षण पूरा करने पर जल्द इस काम पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बैठक में स्थानीय लोगों को दी है। आज जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं ने शहर में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए तैयार की गई डीपीआर का प्रस्तुतीकरण दिया और बताया कि ज्योतिर्मठ में सीवरेज, ड्रेनेज, स्लोप स्टेबलाइजेशन और नदी किनारे टू प्रोटेक्शन वाल निर्माण के कार्य किए जाने हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए जी, यहाँ इन विभागों ने अपने प्रस्तावित कार्य यहाँ के मूल निवासियों को प्रस्तुतिकरण दिया है, जिसमें सिंचाई विभाग का अलकनंदा रिवर की लेफ्ट बैंक पे प्रोटेक्शन वॉल का कार्य है। उसके बाद पेयजल निगम के ड्रेनेज और सीवरेज के कार्य हैं। ड्रेनेज में अराउंड 97 किलोमीटर स्पाइन का ड्रेन बनना है, जिसमें 7 मेजर ड्रेन्स हैं और उसका प्रस्तुतिकरण भी दिखाया गया। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा इसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी और अन्य जो शेयरिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग कार्य किए गए हैं, बोरहोल ड्रिलिंग की है उसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने अवगत कराया, और राजस्व विभाग ने जो धनराशि वितरित हुई है 217 लोगों को उसके बारे में अवगत कराया है। और एक बहुत ही सकारात्मक बैठक रही है और आशा है कि जल्दी ही ये कार्य धरातल पर दिखेंगे और एक पॉजिटिव मैसेज पब्लिक में गया।